एक फेमस फिल्म की लाइन में हीरो कहता है कि मैं दुनिया का कोना कोना घूमना चाहता हूँ, और बात भी सच है क्योंकि ज्यादातर घूमने के इलाके शिमला, मनाली, गोवा कोने पे ही हैं। लेकिन कभी सोचा है व्हाट अबाउट सेंट्रल इंडिया? ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, पाइन ट्री के फॉरेस्ट और विशालकाय झरने, ये सुनके शायद आपको किसी हिमालयन रेंज की याद आ रही होगी, लेकिन सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम मनाली में नहीं हैं, शिमला में भी नहीं है, नहीं ऊटी में है, तो कहाँ पे एग्जैक्टली? आप सोच रहे होंगे कि पीछे फॉग है, ये ज़बरदस्त से पेड़ है और ये ज़बरदस्त सा मौसम है, तो एग्जैक्टली कहाँ पे? पिछले कई सालों से ये टर्म हम एक्चुअली अपने सारे वीडियोस में यूज़ करते हैं, हाँ सच्चाई है, क्योंकि मैं ये प्लान एक्चुअली बहुत सालों से हर जगह का बना रहा था और ये पर्टिकुलर लोकेशन पता नहीं किसी वजह से हो नहीं पा रहा था फाइनल, तो फाइनली पिछले बर्थडे पे भी कैंसिल हो गया, कुछ चीज़ें और भी हुई जिसकी वजह से नहीं आ पाया, 3 दिन की छुट्टी मिली एंड दिस वॉज द टाइम मुझे लगा कि नो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी हम लोग ऑफकोर्स नहीं मनाली, ना शिमला, नॉर्थ ईस्ट, तो किधर है? हम झारखंड में हैं। ये देख के लगता है ये झारखंड में होगा, ये ज़बरदस्त से पेड़, ये मौसम, ये पहाड़ी, जगह है नेतरहाट। बहुत लोगों ने बहुत दिनों से बोला नेतरहाट जाओ, आई वॉज लाइक क्यों जाऊँ, पर जब आया बॉस तो लिटरली आई एम अमेज्ड। अगर विश्वास नहीं होता खुद देख लो। तो जब आप YouTube पे जाते हो और नेतरहाट सर्च करते हो तो एक वीडियो टॉप पे आता है। वीडियो इतना ज़बरदस्त है कि मेरे नेतरहाट आने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वही वीडियो था। वीडियो बनाने वाला जो बंदा है वो मतलब क्या बोलूँ, दिखा देता हूँ। तो मिली अंकुश से, अंकुश कशेरा फोटोग्राफी, ऑफकोर्स झारखंड में कौन नहीं जानता, और हम लोगों की काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी कि यार कुछ करना है, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, बट हो नहीं रहा था। फाइनली मैंने अंकुर को शॉर्ट कॉल पे फ़ोन किया, नहीं बस लिखा मिलते हैं। तो अंकुश, लेट मी नो यार एग्जैक्टली ये क्या है, ये किस तरीके का डेस्टिनेशन है और ये कहाँ एग्जैक्टली पड़ता है, खासियत क्या है? ये नेतरहाट है और ये झारखंड में लातेहार ज़िले के अंदर आता है और ये हिल स्टेशन बोलते हैं झारखंड का लोग, और नेचर्स हार्ट एक टैगलाइन है यहाँ पे, नेचर्स हार्ट, और झारखंड का गर्व भी है इसको बोलते हैं ऐसा, क्योंकि झारखंड में इकलौता ऐसा प्लेस है जहाँ पे हिल स्टेशन का मज़ा मिलेगा, पहाड़ है, नेचर है, सनसेट, सनराइज, सारे कुछ है, झरने हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा झरना यहीं पे है, यहाँ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस, मतलब डिस्ट्रिक्ट लातेहारी है। हाँ, बेसिकली हम लोग अभी वो कवर भी करने वाले। हाँ, तो मैं जब यहाँ पे आया आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि जो एलिवेशन जिस पे हम चढ़ रहे हैं वो नॉर्मली हम हिमाचल के उन पहाड़ी इलाकों में देखते हैं। हाँ, और जो लोग एक्चुअली मतलब हमारे से जो नियरेस्ट है गैंगटॉक, जब हम जाते हैं तो वैसे ही रास्ते देखते हैं, और जब आने के दौरान पाइन ट्रीज, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग यार, क्योंकि पाइन ट्रीज हम नॉर्मली हिमालय के एरियाज में देखते हैं, यहाँ पे वो देख के बहुत अमेजिंग लगा। सो वी विल कंटिन्यू दिस थिंग, बट लेट्स गो टू द अनदर लोकेशन, क्योंकि This is just a kind of trailer you saw, agony. Yes. चलिए।
नेतरहाट बिफोर बिकमिंग जैसे हमारे यूथ के लिए एक पॉइंट, पहले दो चीज़ों के लिए जाना जाता था, सनसेट पॉइंट एंड सनराइज पॉइंट। अब जिस पॉइंट पे खड़े हैं इसका नाम एग्जैक्टली है सनसेट पॉइंट, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट, राइट। अब मैग्नोलिया एक लड़की की का नाम है और उसी के नाम पे एग्जैक्टली ये सनसेट पॉइंट पड़ा था। रीज़न क्या है श्रेयसी बताएंगी, क्योंकि मैं जब आया मुझे लगा कि चलो एक सनसेट पॉइंट देख लूँगा, लेकिन उन्होंने बताया कि उसके पीछे एक कहानी है, व्हाट इज़ द रीज़न कि इसको ये नाम दिया। सो जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो नेतरहाट पे ब्रिटिशर्स रहते थे, यहाँ पे उनकी प्लानिंग वगैरह चलती थी, तो बहुत सारा ये समर के लिए एक हिल स्टेशन था उनके लिए, तो उन्हें मतलब वो क्लाइमेट यहाँ मिलता था अपनी कंट्री का, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स बहुत ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे, तो मैग्नोलिया वही ब्रिटिशर्स लोग में से थी और यहाँ पे एक लोकल पीजेंट से उनका मतलब प्यार हो जाता है उनको। तो क्या होता है कि वो ब्रिटिशर्स को जब पता चलता है कि मैग्नोलिया हमारी बेटी लोकल पीजेंट के साथ है, ऐसा है, तो उनको ये स्वीकार नहीं होता है, तो उन्हें बहुत बार बोला जाता है कि नहीं छोड़ दो छोड़ दो, वो मानती नहीं है, उनसे मिलती है चुप चुप के, वो भी फ्लूट बजाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था उनके लिए। तो जब घर वालों को पता चलता है तो वन फाइन डे वो पीजेंट को मार देते हैं, तो जिसके दुख पे मैग्नोलिया के पास एक घोड़ा होता था, वो हमेशा घोड़े के साथ ही जहाँ भी आना जाना करती थी, तो वो घोड़े के साथ यहाँ पे आती है और दौड़ के यहाँ से ही, इसलिए इस पॉइंट का नाम मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट है, जस्ट यहाँ से वो होती है और इसी याद में आई गेस ये सामने एक ये मूर्ति बनाई गई। चलते चलते वी गॉट टू सी दिस अमेजिंग पाइन फॉरेस्ट, गजब का सुंदर है बॉस। मतलब हिमाचल में मुझे याद है जब मैं जाता था तो चूंकि उनका एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बारिश भी साथ में शुरू हो गई और पीछे केटीएम वाला भाई भी जा रहा है जिसकी आवाज़ ज़ोर से आ रही होगी, तो रिटेक नहीं करेंगे बट आगे बढ़ो। शोला जैसे भड़के भड़कने को, कब तक ने हम धड़कने, ये दिल जैसे धड़के धड़कने को, क्यों है कोई आग दबी, ये शोला जैसे भड़के भड़कने को। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट डेढ़ दो घंटे के ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए हमारे वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट